Hello, welcome to Insert Tags. Here we'll learn about the transmission element and control system. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट जरूरी है ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो और एक चीज हमने देखी कि जो ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज पे अगर ट्रांसमिशन रहेगा तो ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के लिए वो बेटर रहेगा। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रांसमिशन सिस्टम्स में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं। तो मेनली हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था कि जनरेटिंग एंड पे सबस्टेशन होता है, लोड एंड पे सबस्टेशन होता है और उन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन लाइंस रहती है। तो अभी हम मेन एलिमेंट की बात करें तो हमारे मेन एलिमेंट है सबस्टेशन एंड लाइन। अभी ट्रांसमिशन सिस्टम कितने प्रकार की हो सकती है? तो वैसे अभी तो ट्रांसमिशन सिस्टम दो प्रकार की है, जिसमें एक एसी ट्रांसमिशन होता है और दूसरा डीसी ट्रांसमिशन होता है। हम ब्रीफ में एसी ट्रांसमिशन सबसे पहले देखेंगे। एसी ट्रांसमिशन के मेन एलिमेंट्स है सबस्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन। तो अभी सबस्टेशन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, लाइन कौन कौन से प्रकार की होती है वो हम देखेंगे। एसी ट्रांसमिशन में सबस्टेशन और टाइप्स ऑफ सबस्टेशन। तो टाइप्स ऑफ सबस्टेशन में सबसे पहले आता है इंडोर सबस्टेशन, जो बिल्डिंग के अंदर सबस्टेशन रहता है उसको इंडोर सबस्टेशन बोलते हैं। फिर होता है आउटडोर सबस्टेशन, जैसे हमारे सब जगह दिखते हैं सबस्टेशन वो आउटडोर सबस्टेशन होते हैं। उसके बाद एक आता है AIS सबस्टेशन, जो हमारा आउटडोर सबस्टेशन है उसे ही हम AIS सबस्टेशन बोलेंगे, जो उसका फुल फॉर्म है एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन, दैट इज द AIS सबस्टेशन। उसके बाद आता है GIS सबस्टेशन, दैट इज द गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन। इसको आप इंडोर में भी रख सकते हैं, इसमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे गैस इंसुलेटेड होते हैं। तो जैसे सीटी प्रीटी ब्रेकर्स हो गया, आगे हम देखने वाले हैं, वो सब इसमें गैस इंसुलेटेड रहते हैं। और फिर एक है हाइब्रिड सबस्टेशन। तो जहाँ पे AIS सबस्टेशन है और जगह कम है तो वहाँ पे बीच में हम एक यूनिट हाइब्रिड का डाल सकते हैं। तो वो AIS भी होता है और GIS भी होता है, दोनों चीज़ एक ही सबस्टेशन में रहेगी, वो उसको हम हाइब्रिड सबस्टेशन बोल। फिर सबस्टेशन और क्या प्रकार होता है? तो सबस्टेशन मेनली जैसे हमने देखा था कि जनरेटिंग एंड पे होता है तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करना होता है, तो उसके लिए स्टेप अप सबस्टेशंस रहते हैं। स्टेप अप सबस्टेशंस में 6.6 केवी का 132 केवी होता है, 11 केवी का 132 केवी होता है और 11 केवी का 220 केवी भी होता है। वैसे ही जहाँ पे लोड एंड है तो वहाँ पे स्टेप डाउन रहेंगे। तो स्टेप डाउन सबस्टेशन में आप देख सकते हैं कि 33/11 केवी, 66/11 केवी, 132 केवी/11 केवी, 132 केवी/33 केवी, 132 केवी/66 केवी, 220/66 केवी, 220/132 केवी, 400/220 केवी, 765/400 केवी एंड 1200/765 केवी, जो अभी नया नया शुरू हुआ है इंडिया में। फिर दूसरा एलिमेंट आता है कि एसी ट्रांसमिशन में दूसरा एलिमेंट अपना रहेगा ट्रांसमिशन लाइंस। ट्रांसमिशन लाइंस वो कितने प्रकार की होती है वो हम देखते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइंस बेसिकली लाइंस तो एक ही होती है, लेकिन उसमें
टावर डिजाइन्स अलग अलग होती है तो उसके हिसाब से लाइन्स अलग रहती है, फिर वोल्टेज लेवल के हिसाब से लाइन्स अलग होती है, फिर इंसुलेटर के हिसाब से अलग रहती है, और कंडक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से लाइन का अलग अलग लाइन्स बनती है। हम अलग अलग देखते हैं कि कौन सी लाइन में क्या क्या रहे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन डिफरेंट टावर डिज़ाइन, तो टावर डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग लाइन्स रहती है। तो लो वोल्टेज होते हैं वो सिंगल पोल लाइन्स होती है, मीडियम वोल्टेज रहते हैं तो वो एच फ्रेम लाइन होती है, और फिर उसके ऊपर जाएंगे तब सारी की सारी टावर्स लाइन रहेगी, टावर लाइन जो टावर जो जीआई का स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर लाइन जाती है, ओवरहेड कंडक्टर्स जाते हैं। डिफरेंट वोल्टेज के हिसाब से भी लाइन अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे 132 केवी लाइन, 66 केवी लाइन, 132 केवी लाइन से लेके 1200 केवी लाइन तक। और क्या है तो इंसुलेशन के हिसाब से लाइन्स होती है, तो जो अपनी ओवरहेड लाइन्स होती है तो वो AIS जैसे सबस्टेशंस थे तो ऐसे ओवरहेड लाइन्स रहती है जिसमें एयर इंसुलेशन रहता है, और बाकी जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से इंसुलेटर्स तो रहते ही है अलग से। दूसरा है अंडरग्राउंड लाइन्स, तो अंडरग्राउंड लाइन्स में केबल्स रहते हैं जिसको अच्छी तरह से ज़मीन के अंदर डाल दिया होता है। फिर अगर कंडक्टर के ऊपर डिफ्रेंशिएट होती है थोड़ी बहुत लाइन्स, जैसे ओवरहेड लाइन्स हुई तो उसमें कंडक्टर रहते हैं, SESR कंडक्टर रहते हैं, AAA कंडक्टर रहते हैं, और पावर केबल्स जैसे हमने ऊपर देखा कि पावर केबल लाइन्स होती है तो वो पावर केबल्स लाइन्स होती है तो उसमें अपना ही इंसुलेशन रहता है और वो अंडरग्राउंड रहती है। तो ऐसे इस तरह से लाइन्स का डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सबस्टेशन के अंदर के इक्विपमेंट्स और उनके बारे में जानेंगे कि सबस्टेशंस में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं और वो सब क्या क्या काम करते हैं, और बाद में हम वो सारे इक्विपमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है वो पूरी जानकारी समझेंगे। शुक्रिया एंड प्लीज़ वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।